कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। दो साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं वडोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।